स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, है ना। होता क्या है कि जब बच्चे आईआईटी जेई का या नीट का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो शुरू में खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, पूरे एंथुजियम के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 2-3 महीने तक तो ठीक तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो सिंचन जो कैरेक्टर है, आपने देखा होगा कार्टून कैरेक्टर है, उसकी जो भी हरकतें हैं वैसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं, है ना, वैसी बदमाशियां करनी शुरू कर देते हैं। फिर अपने टीचर से बोलते हैं कि सर एक मोटिवेशन क्लास ले लो। टीचर लोग कई बार मोटिवेशन क्लास लेते भी हैं, लेकिन टीचर जो है वो हमेशा मोटिवेशन क्लास नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी समय चाहिए होता है। अगर टीचर नहीं ले पाते हैं तो ज़रूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, है ना। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए क्या ज़रूरी है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परेशान करती है, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं बॉयज़ की, तो सोशल मीडिया पर एक शर्मा जी का बेटा होता है ना, पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा, तो वो बहुत परेशान करता है। एक्चुअली में क्या है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हमेशा ताने देते हैं कि देखो पड़ोस के शर्मा जी का बेटा जो है वो क्या कर गया और तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक। तो शर्मा जी का बेटा जो है बहुत परेशान करता है, तो अगर उससे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे ही आप शर्मा जी का बेटा के बारे में सोचोगे तो आपको मन करेगा चलो मैं इसको पछाड़ूंगा, मैं इसको हराऊंगा, और फिर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक। अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो गर्ल्स के मामले में क्या है कि उनकी मम्मी हैं, दादियां होती हैं, वो इनको ताने देती हैं कि अगर ससुराल में जाओगी तो वहां पर तुम्हारी सास ऐसी मिलेगी, तुम्हारी ननद ऐसी मिलेगी, तो आप अपने सास को ननद को याद करो, है ना, वो कितना परेशान कर सकती हैं। अगर वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उनको याद करके पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक। तो ये तो मैं मजाक कर रहा था, है ना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो असली मुद्दा ये है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो जो एक काम होता है जिसको करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, है ना। हर आदमी की जो है एक ना एक हॉबी होती है, कोई ऐसा काम होता है जिसको करने से बड़ी खुशी मिलती है। किसी को गेम खेल कर खुशी होता है, है ना, कोई क्रिकेट खेल कर खुश होता है, कोई फुटबॉल खेल कर खुश होता है, कोई वीडियो गेम खेल कर खुश होता है, कोई गाने सुनकर खुश होता है, और कोई फिल्में देखकर खुश होता है। तो तरह तरह के जो है अपने अपने हॉबीज होते हैं, तो आप अपनी हॉबी को टाइम दें 1 घंटा रोज, है ना। रोज आप 1 घंटा उस काम को करें जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, है ना। तो उस 1 घंटे के इंतजार में आप रोज कम से कम 13-14 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी हॉबीज हैं उनमें से एक जो सबसे फेवरेट हॉबी है, है ना, उसको जरूर 1 घंटे का समय दे रोज। ये पहला पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर 2 या 3 महीने बाद, है ना, या ऐसा भी हो सकता है 1 महीने बाद कभी भी आपको लगता है कि पढ़ने में थोड़ा सा बोरियत आ रही है, है ना, मन नहीं कर रहा है, तो आप शांति से बैठें और खुद सोचें कि अगर मैं ये कंपटीशन निकालूंगा तो मुझे जो है उससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना, वो कौन कौन सी अच्छी चीज़ें होंगी जो मेरी लाइफ में हो जाएंगी, वो आपको याद करना चाहिए। याद करेंगे तो ओबियसली इसको कहते हैं डे ड्रीमिंग, है ना, आप एक तरह से सपना देख रहे हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, लेकिन वो सपना देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उसको देखेंगे तभी उसको पूरा करने के लिए आप कोशिश करेंगे, है ना। तो ये है 2-3 महीने बाद अगर बोरियत आती है तो ऐसा ज़रूर करें, सोचें कि अगर मैं ये कंपटीशन निकाल लूँगा तो मुझे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वही 2-3 महीने बाद ही ये चीज़ें आएंगी, हमेशा ऐसा नहीं करना है 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, जब भी ज़्यादा बोरियत होने लगे, काम करते करते जो है पढ़ते पढ़ते ठीक है थोड़ा मन उचटने लगे, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप उन लोगों को याद करें
बैठ करके शांति से, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भाई बहन हो गए, या और कोई भी हो, है ना, आप देखें कि वो लोग जो है आपके लिए कौन कौन से सक्रिफाइसेज कर रहे हैं, आपके लिए जो है पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना, समय अपना खर्च कर रहे हैं, और आपको कोई काम नहीं करने देते, आपको हर काम से फ्री कर रखा है ना, ताकि आप जो है कंपटीशन निकालें, कुछ अच्छा बन सकें। तो ये सब उनकी सक्रिफाइसेज होती हैं, जिनको आप याद रखेंगे, याद करेंगे, तो आपको मन करेगा कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा आपका मन करेगा। तो ये भी काम जो है आप ज़रूर करें, है ना। वैसे इन चीज़ों का कई बार हम ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप उन लोगों को याद करें, है ना, जो आपसे जीलेसी रखते हैं, जो आपको ताने मारते हैं, है ना, या जो आपका मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को भी आप याद करें, है ना। जब आप उनको याद करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा कि मैं इसको जो है कुछ बन कर दिखाऊंगा, कुछ कर कर दिखाऊंगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि लाठी डंडा लेकर के जो है उनको मारने दौड़ना है, ऐसा नहीं करना है ना। तो बस करना क्या है, वो जो उस गुस्से को, उस इमोशन को, है ना, गुस्सा और इमोशन दोनों चीज़ें हैं, उन दोनों को आपको जो है यूज करना है अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। गुस्सा आएगा, है ना, तो आप क्या करें, उस गुस्से को यूज़ करें अपना सेल्फ मोटिवेशन के लिए, कि अगर मैं पढ़ूंगा, है ना, लगातार पढ़ूंगा, फोकस बनाकर पढ़ूंगा, सिलेक्शन होगा, जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा, तो जो आपको ताने मारते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर इंटरवल पर कुछ इंस्पायरेशनल मूवी देखनी चाहिए, कुछ बायोपिक्स देखनी चाहिए, है ना। आप जानते होंगे बायोपिक्स जो होती हैं वो रियल जो घटनाएं होती हैं उन पर बेस्ड होती हैं, तो उनको देखने से हमेशा कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन मिलता है ना। जैसे मैं एक आपको नाम बताता हूँ, एक मूवी है मांझी द माउंटेन मैन, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना। तो इस मूवी को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने की, है ना। जितनी बार देखेंगे उतनी बार सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। कारण ये है कि इस मूवी का जो लीड कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, आप देखेंगे उसके पास अपने शरीर के अलावा कोई संसाधन नहीं है। उसके पास दो बकरियां होती हैं, उन बकरियों को बेचता है और छेनी और हथौड़ी खरीदता है ना, और उस छेनी और हथौड़ी से एक पहाड़ को काट करके रास्ता बना देता है ना। आप समझ सकते हैं कि छेनी और हथौड़ी जो है बहुत ही छोटे हथियार हैं, कितना समय लगा होगा उसको बनाने में, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और जो है उस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया, है ना। उस मूवी में ये जो करेक्टर है, जब भी पहाड़ पर वो जो रास्ता बनाने के लिए जाता है, पत्थर तोड़ने जाता है, तो एक बात बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक अपना गोल हम लोग अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे, लगे रहेंगे, है ना। तो आप उस मूवी को देखेंगे तो इस जो डायलॉग है, जो लाइन है, उसका जो है इम्पोर्टेंस समझ लें। इस मूवी में एंड में आप देखेंगे कि ये जो मेन करेक्टर है वो एक लाइन बोलता है, एक डायलॉग बोलता है, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। कहता है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। हम लोग करते क्या है, कई बार हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं, चलो भगवान जो करेगा वो देखेंगे, थोड़ी बहुत ट्राई मार लेते हैं, मतलब अपना 100% जो एफर्ट है वो नहीं लगाते, थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, है ना, और थोड़ा बहुत कोशिश करके हम समझते हैं कि बाकी जो है भगवान पूरी कर देगा। किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, तो आपका 100% एफर्ट जो है उसमें जाना चाहिए, है ना। बेमन से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बेमन से जब आप करेंगे तो फेलियर के चांसेज बढ़ते हैं, असफलता के चांसेज बढ़ते हैं, है ना। और अगर एक बार आप असफल हो गए तो वो टाइम जो है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है ना।
आपका जो एफर्ट गया थोड़ा बहुत ही गया, लेकिन वो एफर्ट जो है वो बेकार हो गया। तो इसलिए क्यों ना हम जो किसी काम को करें तो अपना 100% एफर्ट लगाएं, जिससे कि सफलता के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो मेरा मानना ये है कि आप ITJEE का या नीट का प्रिपरेशन जो आप 2-3 साल करते हैं, तो उन 2-3 सालों में आप जो है अपना 100% एफर्ट अप्लाई करें, ज़बरदस्त मेहनत करें, क्योंकि वो 2-3 साल की जो मेहनत है आपके आगे की मेहनत को कम करने वाली है ना। तो इसलिए अगर आप ये 2-3 साल मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको जो है आगे के लाइफ में जो है स्ट्रगल करना पड़े और ज़्यादा मेहनत करना पड़े। तो उस स्ट्रगल को, उस मेहनत को अगर आपको कम करना है तो अभी 2-3 साल क्यों ना हम मेहनत कर लें, है ना। तो ये जो है हमारा टारगेट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने चाहिए और मोटिवेशनल पोएम्स सुनने चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सी चला चला, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सा धधक धधक, हिरण सा सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले। कि आप जिस भी रूम में पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, वहां पर कुछ इंस्पायरिंग कोट्स हो, इंस्पायरिंग लाइंस हो, इंस्पायरिंग डायलॉग्स हो, उनको लिख सकते हैं, है ना। जिन लाइंस को पढ़ने से आपको इंस्पायरेशन मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, उन लाइंस को आप पेपर पर लिख करके दीवार पर चिपका दें जहाँ पर पढ़ते हैं, और इस तरह से चिपकाएं कि आपकी नज़र बार बार वहाँ पर जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको जो है एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन रेगुलर मिलता रहेगा, रोज मिलता रहेगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।